माय डियर स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के अंतर्गत पेपर थर्ड का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत अपना कोटा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट है अपनी बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का आधार। इसके अंतर्गत जिन टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे, उन टॉपिक्स का मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्षेत्र, स्कोप, विस्तार तथा ऐतिहासिक संदर्भ। सेकंड है जनरल आइडिया ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का सामान्य विचार, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पिशियन, बडिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, मेटाजेनेसिस, पॉली एम्ब्रियोनी आदि का। एक अन्य टॉपिक में हम पढ़ेंगे एन इंट्रोडक्शन टू एनिमल डेवलपमेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। इसके अंतर्गत हम लैंगिक जनन करने वाले एनिमल्स में उनकी लैंगिकता के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डेवलपमेंट ऑफ सेक्स, लिंग के विकास एंड इट्स सक्सेस आवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में इसकी सफलता का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अंतःस्रावी नियंत्रण का अध्ययन करेंगे, प्रजनन अंगों के अंतःस्रावी नियंत्रण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे पहले हम देखते हैं कि मिस्रवासी थे, इन्होंने 3000 से 1500 ईसा पूर्व काल में भ्रूण के परिवर्धन और वृद्धि के संबंध में बताया था। मिस्रवासियों ने 3000 से 1500 ईसा पूर्व में भ्रूण के परिवर्धन और वृद्धि के संबंध में बताया था। इसी क्रम में भारतीय ग्रंथ सूत्र संहिता, इसमें भी मानव शिशु परिवर्धन का उल्लेख मिलता है। एक अन्य दार्शनिक एम्पीडोक्लीज थे, जिन्होंने प्राणी के परिवर्धन में नर व मादा दोनों जनकों के आंशिक योगदान का महत्व बताया। इसी क्रम में अरस्तु दार्शनिक थे, जिन्होंने 384 से 322 बीसी में अपनी पुस्तक थी डी जनरेशन एनिमेलियम, उसके अंतर्गत मुर्गी सहित अन्य जंतुओं के परिवर्धन का विस्तृत शोध प्रकाशित किया अरस्तु ने। और अरस्तु के भ्रूणिकी में योगदान के लिए अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी
भ्रौणिकी का पिता भी कहा जाता है। इसी क्रम में अन्य वैज्ञानिक थे, हीरोफिलस, गैलन, हिप्पोक्रेटस, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। गैलन ने क्या बताया, गैलन ने बताया कि गैलन ने कहा कि जस्ट अस मैनकाइंड इज द मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। गैलन के बाद इसकी थ्योरी को खारिज करने के लिए विसेल्सियस आया 15वीं शताब्दी में। इसने लिंग निर्धारक ताप व पोषण को माना। क्या बताया इसने, लिंग निर्धारण ताप व पोषण तत्व होते वह माने जाते हैं। भ्रूण की काल में इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो 19वीं शताब्दी में मेंडल था जिसने इन्हें लिंग निर्धारक कहा था। 1875 में ऑगस्ट वीजमान आया जिसने परिवर्तन पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। यहाँ तक कहा कि बटरफ्लाई विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पन्न होती है। ऑल्फर्ट ने भी भ्रूण के परिवर्तन का कार्यक्रम डीएनए में होता है जैसी बातें बताई। विल्सन ने एक पुस्तक लिखी सेल इन डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस। इस पुस्तक में उसने प्राणी परिवर्तन में केंद्रक के महत्वपूर्ण होने की बात बताई। उसने कहा कि परिवर्तन हेतु क्रोमेटिन आवश्यक होता है। विल्सन ने बताया कि प्राणी परिवर्तन में केंद्रक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार भ्रौणिकी के संबंध में अनेक बातें विकसित हुई लेकिन फिर भी इसका ऑर्डरली इसके शोध के पश्चात कुछ वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों ने कुछ सिद्धांत दिए। वह सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है पूर्व रचना सिद्धांत। पूर्व रचना सिद्धांत, ये सिद्धांत स्वेमरडैम नामक वैज्ञानिक ने 16वीं शताब्दी में दिया था। ये शुक्राणु व अंडाणु की खोज के बाद में अस्तित्व में आया था। इस सिद्धांत के अनुसार युग्मकों में प्राणी पूर्व निर्मित या सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, अर्थात सूक्ष्म जीव में विकसित प्राणी की सभी संरचनाएं पूर्व निर्मित होती है। हम मानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु से जीव का जन्म होता है लेकिन ये सिद्धांत कह रहा है कि जो शुक्राणु या अंडाणु होता है, जो भी युग्मक होता है, उसमें जिस जीव का निर्माण होना है उससे संबंधित उसका लघु रूप सूक्ष्म रूप पहले से ही उपस्थित होता है, ये सिद्धांत कहता है। इस बात को इसलिए इसे पूर्व रचनावाद कहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक मेलपिगी बोनेट जैसे वैज्ञानिकों ने किया, अतः इन्हें पूर्व रचनावादी कहा जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों को क्या कहेंगे, पूर्व रचनावादी। इसके बाद फ्रांसीसी दार्शनिकता निकोलस डी मालब्रेंच, इसने एनकैशमेंट थ्योरी संकोचन सिद्धांत दिया। इसने भी यही बताया कि प्रत्येक युग्मक में आगामी पीढ़ी का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है। यहाँ तक बताया कि इस सूक्ष्म रूप में भी इससे भी अगली पीढ़ी का भी सूक्ष्म जीव पूर्व निर्मित होता है। ये पूरी बातें के में ये कहा जा रहा है कि जो युग्मक होता है उसमें जिस जीव का निर्माण होना है उस जीव का सूक्ष्म रूप पहले से ही निर्मित होता है। आगामी समय में शुक्राणु व अंडाणु की खोज पूर्ण होने के बाद में इसकी रचना से संबंधित वैज्ञानिक दो भागों में बट गए। एक तरह के वैज्ञानिक कहने लगे कि ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये शुक्राणु में होता है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहने लगे कि ये जो सूक्ष्म जीव होता है ये अंडाणु में होता है। इस प्रकार दो प्रकार के दड़े हो गए, दो हिस्से हो गए। सबसे पहले देखते हैं हम ओविस्ट। ओविस्ट
कौन से वैज्ञानिक कहलाए जिन्होंने कहा कि सूक्ष्म जीव अंडे में उपस्थित होता है? क्या कहा इन्होंने कि अंडाणु में प्राणी का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है और ये अंडाणु से पोषक पदार्थ पोषण प्राप्त करने से इसमें वृद्धि व परिवर्धन होता है, ऐसा वशिष्ठों ने कहा। दूसरी तरफ के वैज्ञानिक मानते थे कि शुक्राणु के शीर्ष में प्राणी का सूक्ष्म रूप उपस्थित होता है और यह अंडाणु से पोषक पदार्थ ग्रहण करके परिवर्धन करता है। इस तरह की धारणा को मानने वाले वैज्ञानिक है निकोलस हार्ट सोकर, जिसने शुक्राणु में उपस्थित सूक्ष्म प्राणी को होमन कुलस का और इस सिद्धांत के समर्थक इस पर मिस्ट कहलाए या एनिमल क्यूलिस्ट कहलाए। इसी सिद्धांत के समर्थन में प्रीवोस्ट ड्यूमोस ने शुक्राणु रहित शुक्र द्रव को अंडाणु में डालकर अंडाणु परिवर्धन करवाया, लेकिन अंडाणु का परिवर्धन नहीं हो पाया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पूर्व रचना सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक होस्कर हार्ट विक तथा फॉल ने 1975 में अवधारणा दी। उन्होंने बताया कि भ्रूण परिवर्तन के दौरान शुक्राणु व अंडाणु में संलयन के साथ साथ इनके केंद्रकों का भी संलयन हो जाता है, जिसे वर्तमान में हम निषेचन के दौरान उभिमिश्रण कहते हैं। ऑन कोलिकर ने वृषण में शुक्राणु के निर्माण का प्रेक्षण किया और शुक्राणु व अंडाणु के भौतिक संबंधों को अस्वीकार किया। कोई बात नहीं, पर शुक्राणु प्रवेश की क्रियाविधि को फॉल ने समझाया था। इस प्रकार नेक्स्ट सिद्धांत है अनुजनन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। अनुजनन सिद्धांत, ये सिद्धांत विलियम हार्वे ने अपनी पुस्तक ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स में प्रकाशित किया 1578 से 1657 के बीच। किसने? विलियम हार्वे ने। इस सिद्धांत के अनुसार नव प्राणी का उद्भव अर्थात नए प्राणी का जन्म शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है, अर्थात नव प्राणी का उद्भव शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है, ये बताया विलियम हार्वे ने। इसी क्रम में एक अन्य वैज्ञानिक गैब्रिएलो फेलिबियो हुआ, जिसने गैब्रिएलो फेलिबियो जिसने अंडवाइनी की खोज की, जिसे हम इसके नाम के सम्मान में फेलोफियन नलिका भी कहते हैं। ये अंडाशय व गर्भाशय के बीच में होती है। एक अन्य वैज्ञानिक रेग्नियर डी ग्राफ था, जिसने अंडाशय में अंतःस्रावी प्रकृति की पुटिकाओं की खोज की, जिन्हें हम रेग्नियर डी ग्राफ के सम्मान में ग्रोफियन पुटिका भी कहते हैं। और अंडा से ओवेरी नाम जो दिया वह निकोलस स्टेनो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अनुजनन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत पूर्व रचना सिद्धांत से अधिक मान्य व तर्कसंगत रहा। तीसरा सिद्धांत है प्राइमरी जर्म लेयर कॉन्सेप्ट, प्राथमिक जनन स्तर अवधारणा। माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि विदलन से उत्पन्न बहुकोशिक ब्लास्टुला होता है, कोरक होता है। इस कोरक की कोशिकाओं में आकारी की गतियां होने से तीन जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों जन्म स्तरों की उत्पत्ति का सबसे पहले अध्ययन पांडार ने 1817 में मुर्गी के अंदर किया था, यह हमें पता होना चाहिए। और इस प्रकार के तीन जनन स्तरों के निर्माण को गेस्टुलेशन कहते हैं। लुइस ओलपोट ने अपने शब्दों में बताया था, इट इज़ नॉट बर्थ, मैरिज या डेथ, बट गेस्टुलेशन विच इज ट्रूली द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। अर्थात इन्होंने बताया कि ये जन्म विवाह मृत्यु कुछ नहीं अपितु गेस्टुलेशन है,
जो वास्तव में जीवन का महत्वपूर्ण समय। एक अन्य वैज्ञानिक एफ आर लिली ने किटोप्टेरस में विलयन को अवरुद्ध किया। कोवेलेवस्की नामक वैज्ञानिक ने ब्रेंकियोस्टोमा में 3 जनन स्तरों के निर्माण का अध्ययन किया। अब हम चौथा सिद्धांत पढ़ते हैं, बेयर का सिद्धांत। ये सिद्धांत कार्ल अर्नेस्ट बेयर ने 1792 से 1876 में के मध्य दिया। कार्ल अर्नेस्ट बेयर को फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, आधुनिकी भ्रूणिकी का पिता भी कहा जाता है। बेयर के अपने शोध पत्र थे एपिस्टल कॉमेंटर एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसने अपने शोध पत्रों में बताया कि प्राणी के परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण पहले विकसित होते हैं और विशिष्ट लक्षण बाद में विकसित होते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में भ्रूण अवस्था में नोटोकॉर्ड विकसित हो जाती है जो कि समस्त कॉर्डेट्स का सामान्य लक्षण है, लेकिन इन स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षण जैसे कर्ण पल्लव बाल स्तन ग्रंथियां आदि होती है जो बाद में विकसित होती है। अर्थात सबसे पहले सामान्य लक्षण जो सभी प्राणियों में पाए जाते हैं वह विकसित होते हैं, इसके बाद कुछ विशिष्ट लक्षण और सबसे अंत में विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। बेयर के सिद्धांत को हेकल के पुनरावर्तन सिद्धांत से काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत या जाति आवर्तन नियम, बायोजेनेटिक लॉ या रिकेपिटुलेशन थ्योरी। यह सिद्धांत मूलर व हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार सभी प्राणियों में परिवर्तन के दौरान सामान्य लक्षण पहले विकसित होते हैं, तत्पश्चात विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कॉर्डेट्स में सामान्य लक्षण जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, ग्रसने क्लोम दरारों की उपस्थिति होना तथा पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु का होना, ये सभी कॉर्डेट्स के सामान्य लक्षण हैं जो पहले विकसित होते हैं। इसके बाद में स्तनधारियों के विशिष्ट लक्षण जैसे बालों की उपस्थिति, कर्ण पल्लव, स्तन ग्रंथियां आदि बाद में विकसित होते हैं। इसके बाद एक ही वर्ग के सभी जंतुओं में अपने अपने ऑर्डर के लक्षण विकसित होते हैं, इसके बाद में वंश के और अंत में जाति के। अर्थात जंतु परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, बाद में परिवर्तन में विभिन्नताएँ दर्शाते हैं। एकल ने उद्विकास और जाति वृत्ति परिवर्तन को सैकड़ों वर्षों में पूर्ण होना बताया। इसके इस सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि एक प्राणी अपने व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन के दौरान उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है व परिवर्तित होता है जो उसकी जाति में होती है। अर्थात व्यक्ति वृत्तीय परिवर्तन जाति वृत्तीय परिवर्तन को दोहराता है। ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। इस प्रकार हमने भ्रूणिकी के इतिहास में इसका विस्तृत वर्णन पढ़ते हुए 5 सिद्धांत पढ़े। आपको आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।